Hey guys, I'm Mohit and आज बेसिकली मैं आपको सेप्टिक टैंक की जो हम भराई करवा रहे हैं वो बताने जा रहा हूँ कि जो साइड वॉल की इस साइड पे हमने भराई करवा दी है और इस साइड पे हम भराई करवा रहे हैं। आज बेसिकली आपको मैं वो बताने जा रहा हूँ कि वो कैसे करवा रहे हैं, कैसे हो रही है, आज सारा कुछ डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले देख सकते हो TM हमारे पास रेडी है, TM आ गया है और इस साइड पे उस साइड जो है वो साइड जो है हमारे पास कंस्ट्रक्ट हो गई है। उस साइड पे लीन जो है सारी लीन सॉरी कह रहा हूँ वॉल जो है वो अपनी डायमेंशंस में आ गई है। अब इसके बाद इस साइड से हम 30 इंचेस के जो है वो वॉल लेंगे RCC, इस साइड से 6 इंचेस की RCC होगी, लेकिन उसको बराबर पीछे करने के लिए अपनी प्रॉपर पोजिशन लाने के लिए हम जो है इस तरह लीन करवा रहे हैं, ये कॉन्क्रीट करवा रहे हैं। ये जो आपको कॉन्क्रीट नज़र आ रही है ये सारी कंक्रीट पोर हो रही है। पहले ये TM से जो है एक ड्रम में डाला जा रहा है, ड्रम से जो है रेडी में ट्रॉली में डाल के जो है इस तरह अपनी डिज़ायर्ड लोकेशन पे इसको पोर किया जा रहा है। अगर मैं आपको इस साइड से दिखाऊं कि जिस जगह पे पोर कर रहे हैं ये आप देख सकते हो, ये हमारे पास रेडी है, ये सारे जगह पे हमारे पास कंक्रीट पोर होगी। जैसे आपके पास ये सामने आपको वॉल नज़र आ रही है इस तरह की, ये भी सेम वॉल बनेगी। अभी मैं आपको दिखाता रहता हूँ, साथ साथ बताता रहता हूँ। ये देखो, तो जैसे जैसे वो ट्रॉली में डाल के लेबर इधर ला रही है और इधर पोर करती जा रही है। सामने वाली वॉल में आपको दिखाता हूँ और लिफ्ट का भी मैं आपको सेक्शन दिखाता हूँ थोड़ा सा। सो यहाँ पे मैं आपको एक टिप देता जाऊँ कि यहाँ पे जब भी आप कंस्ट्रक्शन करवा रहे होते हो, जब भी कर रहे होते हो, यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके पास ये डबल प्लेट्स लगी हुई है, ये आपके पास हाइट जो है ना काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से यहाँ पे इस तरह की ये जो स्टील प्लेट्स हैं डबल लगी हुई हैं। सो सबसे पहले एक सिंगल स्टील प्लेट की यहाँ तक मतलब आपने उसको करवाना है फिल, फिर उसके बाद बकाया जो आपने फिल करवाया जो हम यहाँ पे करवा रहे हैं जो आपको इस साइड पे नज़र आ रहा है। अब ये जो है हमारे पास पहले नीचे वाली स्टील प्लेट सारी फिल हो रही है, फिर उसके साथ वो टैंपिंग कर रहे हैं इस साइड जो है वो विद द हेल्प ऑफ स्टील बार्स टैंपिंग कर रहे हैं। सो टैंपिंग हो रही है, टैंपिंग के साथ साथ जो है वो सारी कंस्ट्रक्शन हो रही है। ये आप देख सकते हो ये सारी जो है साथ साथ भी वो हो रही है, उसकी लीन जो है डाल रहे हैं हम, कॉन्क्रीट डाल रहे हैं RCC PCC। सो ये आप लोग एक टिप थी छोटी सी, इस चीज़ का ख्याल रखना। अभी मैं आपको अगर एक साइड से दिखाऊं तो ये साथ साथ देखो वो टैंपिंग भी कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ रॉड, रॉड की मदद से वो स्टील रॉड जो होता है उसकी मदद से वो टैंपिंग किए जा रहे हैं ताकि जो है नीचे एयर वॉइड्स जो हैं वो साथ साथ ही ख़त्म होते रहे। लेकिन ये एक चीज़ जो है मिशन ऑर्डर रखना है कि आपने पहले आधी एक स्टील प्लेट फिर दूसरी जब इस तरह हाइट ज़्यादा हो जाए, नहीं तो अगर ठीक ऊपर करोगे तो फिर आपके लिए मुश्किल होगी वो टैंपिंग करना भी और वो एयर वॉइड्स रह जाते हैं इस तरह। तो ये देख सकते हो साथ साथ कंक्रीट डाल रहे हैं साथ साथ टैंपिंग किए जा रहे हैं। तो इस साइड से ये हम TM से ला रहे हैं और इस साइड पर हम कर रहे हैं। टैंपिंग जो है वो स्टील रॉड से की जा रही है जो आपके पास नॉर्मल स्टील रॉड होता है। ये अभी देखो हाफ फिल कर रहे हैं, हाफ फिल करके फिर इसके बाद और ऊपर फिल करेंगे हम इस लेवल तक आएंगे। ये जो लेवल है ये हमारे पास है,